हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, यूनिट नंबर एक थर्मोडायनेमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम लो या फर्स्ट लो की बात करेंगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये होता है कि इस नियम के अनुसार था कि आप ना तो ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी जो नियम इससे आधारित क्या निकलता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम निकलता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो कुल ऊष्मा है या कुल ऊर्जा है वो निश्चित है, ठीक है। उसको एक से दूसरे रूप में परिवर्तित तो किया जा सकता है, परंतु कभी भी नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। नियम लिख लेते हैं बार के लिए। नियम है ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हो और ना ही उत्पन्न, बस यही है इसका थर्मोडायनेमिक्स का मेरा फर्स्ट लॉ। और ये इससे हमारा क्या निकल जाता है, इससे निकल जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इससे निर्धारित होता है। अर्थात पूछ सकता है आपको कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण नियम मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, नियत है, कॉन्स्टेंट है, उस नियत है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। हम एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज कर सकते हो, परंतु नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते हो। हम क्या लेते हैं, हमने लेते हैं तंत्र और परिपार्श्विक लेते हैं। क्या लोगे आप, एक तंत्र एक परिपार्श्विक लेते हैं, ठीक है। हम लेंगे एक तंत्र, ये रहा हमारे पास तंत्र सिस्टम लेते हैं। इसकी ऊर्जा कितनी है, U1 ऊर्जा है, ठीक है। इसकी U1 ऊर्जा है और उसको हम देते हैं क्यू ऊष्मा देते हैं, और ये क्या करता है, W कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, W कार्य करता है। और अगर हम U2 ऊर्जा के लिए इसको परिभाषित करें तो किस प्रकार से वो देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो, U2 - U1 फाइनल एनर्जी इनर्शियल एनर्जी, ठीक है। और उसमें दे रहे हो और कार्य हमारे पास निकला है तो W - W ग्रुप में परिभाषित होगा जो किसके इक्वल है, ΔU के। और हमारे पास नियम क्या निकलता है, Q - W निकलता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कार्य है, ये उष्मा है, इसको दी गई ऊर्जा है। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे ऊर्जा के गुण के बारे में, किनके बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के गुण के बारे में बात करने वाले हैं। ऊर्जा के गुण क्या होता है, देखिए जब हम ऊष्मागतिकी की बात करते हैं ना, तो ऊर्जा हम किस रूप में पढ़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा के रूप में। आप किसके रूप में पढ़ोगे इसको, आंतरिक ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं, जिसे आप इसे भी लिख सकते हो या इसको हम यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। हम ऊर्जा को किसके रूप में पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी के अंदर हम आंतरिक ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं, इसको आप ई व यू के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम देखिए आंतरिक ऊर्जा की जब बात करोगे ना यू की, ये तंत्र की क्या होती है, प्रारंभिक, तंत्र की प्रारंभिक वे अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, जबकि ये पथ पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, ये हमने पढ़ भी लिया, एक बार वापस इसका अच्छे से रिवीजन हो गया कि जो हम आंतरिक ऊर्जा की बात करोगे आप, ये क्या करेंगे, सिर्फ तंत्र की अंतिम और प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, ये पथ पर निर्भर नहीं करती। परंतु जब आप बात करेंगे ना किसकी,
कार्य उष्मा की जब आप बात करते हैं, ये दोनों दोनों पथ पर निर्भर करते हैं। क्या निर्भर करते हैं? पथ पर निर्भर। पर जब आप इनका अंतर लेते हो ना, और अंतर लेकर हमारे पास क्या निकालते हो, ये आंतरिक ऊर्जा निकालते हो, ठीक है। जब आप क्या लेते हो, इनका अंतर लोगे और अंतर लेकर हम आंतरिक ऊर्जा निकालोगे, तो वो क्या करेगी? पथ पर निर्भर नहीं करेगी, पथ पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अब आगे और बात करें, जब आप इसकी बात करते हैं ना आंतरिक ऊर्जा की, इसकी तो यह यथार्थ अवकलज है। ठीक, जबकि कार्य में उसमें दोनों क्या है? यथार्थ अवकलज। इसको आप डेल डी यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको हम इस प्रकार से या ये क्या होते हैं? मात्रात्मक गुण होते हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? मात्रात्मक गुण। मात्रात्मक गुण हमने अच्छी सी बात की है कि जब कोई तंत्र है उसके अंदर वो क्या करते हैं, पदार्थ की जब मात्रा पर निर्भर करते हैं उसको मात्रात्मक गुण कहते हैं, ठीक है। अब जाके हम मात्रा को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कोई तंत्र के अंदर हम ए कोई ले रहे हैं, उसका क्या होता है 10 मोल है, और बी के लिए क्या होता है 5 मोल कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखोगे ना ऊर्जा ए के लिए, तो ये क्या होगी? बी से दुगनी होगी। क्या होगी? बी से दुगनी होती है, दुगुनी होती है। परंतु यही मोल आप क्या ले लेते हैं? अगर प्रति मोल ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? मात्रात्मक गुण से विशिष्ट गुण के अंदर परिवर्तन होंगे, और अगर प्रति मोल ले लोगे तो इनके लिए ऊर्जा समान होती है। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम के द्वारा, मतलब इनकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। हम क्या करते हैं, हमें ऐसा कार्य की कल्पना करते हैं जिसके अंदर हम ना तो ऊर्जा दे रहे हैं और वहां पर कार्य हो रहा है। परंतु जब हम ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ऐसा कोई भी डिवाइस उपकरण नहीं उपलब्ध है जिसमें आप ऊर्जा ना दो और कार्य संपन्न हो जाए, ठीक है। अर्थात कार्य ऐसे बनाई भी नहीं गई है कोई मशीन, और से कुछ ने विचार भी नहीं किया है, ठीक है। और इस प्रकार से मेरे पास क्या है, ये हमारे पास होती है ऊर्जा के गुण हैं। और वापस सुन लीजिए, मैंने कहा है उसमें गति के अंदर ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा के रूप में परिभाषित है, जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है। जबकि कार्य उसमें पथ पर निर्भर करते हैं, परंतु जिनके जब उनका अंतर निकालोगे तो वो पथ पर निर्भर नहीं करने वाले हैं। आंतरिक ऊर्जा की आप बात करोगे, मात्रात्मक गुण दर्शाते हैं, अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे ए के लिए मैं अगर 10 मोल ले रहा हूँ, बी के 5 मोल ले रहा हूँ, तो ए की जो ऊर्जा होती है वो दुगनी होगी बी से, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होगा अर्थात अवकलज होता है इसका डेल्यू से, जबकि क्यू और डब्ल्यू क्या हो जाते हैं? यथार्थ अवकलज होंगे, ठीक है। इनको इस प्रकार से आप डेल क्यू और डेल डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये होते हैं यथार्थ अवकलज होते हैं, सॉरी ये होगी यथार्थ अवकलज होगी, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? ये तो होगी यथार्थ अवकलज होंगे, और ये क्या होंगे? अयथार्थ अवकलज होते हैं। करने वाले हैं बात करेंगे उष्मा गति के प्रथम नियम में अवकलज रूपों की। अवकलज रूपों की बात करें तो हम एक बात करेंगे यथावत अवकलज की, और एक अयथावत अवकलज की बात करने वाले हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक विचार करते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं कि हम क्या देते हैं, बहुत ही कम इसको क्या देते हैं, तंत्र को उष्मा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्मतम क्या देते हैं? उसको उष्मा देते हैं। जब इसको सूक्ष्मतम ऊर्जा दी है तो इसके लिए कार्य भी क्या होता है? सूक्ष्मतम कार्य हमें प्राप्त होगा। कार्य भी कैसा प्राप्त होता है? इसके अंदर सूक्ष्मतम कार्य प्राप्त होता है, और इसमें परिवर्तन भी कैसा हो जाता है? सूक्ष्मतम परिवर्तन।
परिवर्तन भी हमें कैसा मिलेगा, इसमें सूक्ष्मतम परिवर्तन मिलता है। इसको किस प्रकार से लिखते हैं, हम लिखेंगे du, ठीक है, और डेल डब्ल्यू। देखिए जो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा है जिसको हमने ड्यू से लिखा है वो क्या होती है, वो होती है यथावत अवकलन। ठीक है, यह यथावत है, यथावत अवकलन है। ये आपको पता होगा क्यू और डब्ल्यू दोनों दोनों किस पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं, पथ के फलन है। जबकि यू क्या है, यहां पर अवस्था फलन है। ठीक है, अब इसमें हम और अगर इसको ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ और चरों को हम अवस्था चर जो अवस्था फलन से हो रिलेट उनको कुछ लेते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं, यू V और T लेते हैं, सॉरी P V और T लेंगे। इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, एक चर को तो हम स्थिर मान लेंगे और दो क्या करते होंगे, तंत्र पर निर्भर रहते होंगे। ठीक है, पहले के लिए हम क्या मान लेते हैं, V आयतन को स्थिर मान लेते हैं। इसका आपको क्या करना है, आंशिक अवकलन du बराबर हो जाता है मेरे पास चलिए रहता है अलग करते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आंतरिक ऊर्जा में दाब के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शा रहा है, जहां पर ताप क्या आता है, नियत है, आंशिक अवकलज को दर्शा रहा है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा है, समय के साथ परिवर्तन को दर्शा रहा है और दाब यहाँ पर क्या होता है, नियत है, ये जो आंशिक अवकलज है। अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर जो तंत्र की जो ऊर्जा है उसमें स्थिर ताप आयतन में परिवर्तन के साथ दर्शा रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे जो तंत्र की जो ऊर्जा है समय के साथ तंत्र की ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको दर्शा रहा है स्थिर आयतन पर। अगर इसके अंदर आप क्या करते हैं, पता चल जाता है डी से लेकर सॉरी टी से लेकर डी टी समय तक परिवर्तन कितना है, और वी से हमें मान प्राप्त हो जाते हैं, तो आंशिक अवकलज जो कि हमें हम क्या कर सकते हैं, मान प्राप्त कर सकते हैं समीकरण एक व दो से। कैसे प्राप्त कर सकते हैं इनके मान, समीकरण एक व दो के द्वारा पता कर सकते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, हमने क्या कहा, हमने कहा हम क्या करते हैं, तंत्र के लिए उसको सूक्ष्मतम ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसके लिए जो कार्य हमारे सूक्ष्मतम होगा और परिवर्तन भी सूक्ष्मतम प्राप्त होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस रूप में परिभाषित करते हैं, जहाँ डी यू क्या यथावत अवकलन है, जहाँ की डेल वाले ये दोनों पद है ये क्या होते हैं,
अ यथावत अवकलन है, जो पथ के फलन है यह अवस्था अवकलन है। अब आंतरिक ऊर्जा से रिलेट हम कुछ और फलनों की इसकी निर्भरता वी आयतन, पी दाब और टी ताप के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीनों में से एक को हम स्थिर मान लेते हैं। प्रारंभ के अंदर जो स्थिर माना जाता है वो आयतन को, फिर हम दाब को स्थिर मानते हैं। फिर इनका हम क्या निकालते हैं, आंशिक अवकलज निकालते हैं। अगर प्रथम आंशिक अवकलज की बात करोगे तो तंत्र की जो ऊर्जा है वो दाब के साथ परिवर्तन हो रही है, परंतु किसमें, स्थिर ताप के अंदर। इसी प्रकार से ये परिभाषित होते हैं। अगर आपने पी से डी वी के अंदर परिवर्तन और पी से डी पी और वी से डी वी और टी से डी टी के अंदर परिवर्तन दर्शा लिया, पता कर लिया है, तो हम इनके आंशिक अवकलज के मान की गणना कर सकते हैं। देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी की बात करने वाले हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा वह होगी जो क्या करे, ताप, दाब, आयतन और रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं, तथा इनका मान क्या होता है, निश्चित होता है। परंतु जब आप इनका निरपेक्ष मान ज्ञात करने का प्रयास करोगे तो हमें नहीं प्राप्त होते हैं। रीजन देखेंगे क्यों नहीं होते। आंतरिक ऊर्जा क्या करोगे आप, दाब, ताप, आयतन व रासायनिक रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। इनका कभी भी निरपेक्ष मान प्राप्त नहीं होता हमें। क्या नहीं मान प्राप्त है, निरपेक्ष मान। रीजन देख लेंगे। जब आप रासायनिक संगठन की बात करोगे ना, हमें नहीं पता चलता है कि नाभिक से वो कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, नाभिक उसका इलेक्ट्रॉन की अवस्था किस प्रकार से, ये हमें जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, इसके क्या, क्योंकि निर्धारित कारक नहीं है कोई इसके पास। कारक कैसे, कि हमें ये नहीं पता चलेगा नाभिक कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की अवस्था किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, एक बात तो हमें निश्चित है ही कि ये निर्भर करता है, इसकी ऊर्जा निश्चित होती है। आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, निश्चित होती है। ये दाब, ताप, आयतन, रसायन संगठन निर्भर करते हैं। अब हम क्या ज्ञात करने वाले, हम ज्ञात अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, हम आंतरिक ऊर्जा की बात करें, किस पर, स्थिर आयतन पर। किस पर बात करने वाले हैं, स्थिर आयतन पर हम बात करेंगे। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा की बात करें। ठीक है, स्थिर आयतन किस पर बात करेंगे आप, आंतरिक ऊर्जा की बात करने वाले किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। इसके अंदर हम लेते हैं ई, जो फंक्शन किसका होने वाला है, वी व टी का होने वाला है। इसका अगर आंशिक अवकलज किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। डी ई, देखो आंतरिक ऊर्जा है ना, उसको हम ई और यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। ठीक है, तो हम इस बार आंतरिक ऊर्जा किसको लिख रहे हैं, ई से लिख रहे हैं। ठीक है, एनर्जी के रूप में डेल ई। अब इसका आंशिक अवकलन कराना हमारे पास डी वी, टेम्परेचर इसके अंदर स्थिर रहता है और हमारे पास क्या आएगा, डी वी। ठीक है, अब इसको आगे और हल करते हैं, डी वी डी टी स्थिर आयतन और हमारे पास आ जाता है डी टी। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ हमें वैल्यू ज्ञात करनी होगी। पहले हम देखते हैं, हमने फॉर्मूला देखा था हमारे पास किसके लिए, जब मैंने कहा था कि हम कार्य क्या करते हैं, बड़ा सूक्ष्म कार्य करते हैं, और उसके लिए मैंने समीकरण ज्ञात की थी। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रही थी, डेल क्यू और डेल डब्लू। यहाँ पर क्यू तो उष्मा को प्रदर्शित करी थी, डब्लू कार्य को प्रदर्शित करता। ठीक है, अगर इससे कुछ और मान निकालने हो तो डब्लू को हम लिखा जा सकता है पी डी वी के रूप में लिखा जाता है। इसके रूप में लिख सकते हो, पी डी वी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और हल करके लिखें, पी डी वी। ठीक है, इसको अगर समीकरण नंबर आप एक नाम दे रहे हो तो इसको समीकरण नंबर दो दे देते हैं, तो इसका मान रख देते हैं। यहाँ पर मान रखोगे आप, पता है डी यू और डी वी दोनों एक ही है। ठीक है, तो मान पुट कर दें,
समझ में आ जाएगा उस, या ठीक है। मान कैसे रखोगे, क्यू पी डी वी, बाकी सेम हो जाएगा, टी डेल्टा टी वी ओ डी टी, ठीक है। इसे थोड़ा और कुछ मान निकालते हैं। अगर देखिए, अगर आयतन v बराबर जीरो हो तो कहीं पर स्थिर आयतन की बात कर रहे हैं ना, वहां पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखने वाले। स्थिर आयतन की बात कर रहा हूँ, स्थिर आयतन के लिए यहाँ पर समीकरण किस प्रकार से बनते हैं वो देखेंगे। लेकिन स्थिर जब आयतन की बात करोगे, अगर आप इसमें मान रखते हैं ना डीवी, डीवी का मान कितना हो जाता है जीरो, वी का मान भी जीरो, डीवी का मान भी जीरो हो जाता है। इसके अंदर आप मान जब पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगी, डी ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, क्या आएगी, एस क्यू आ जाता है, जो किस पर है, स्थिर आयतन पर है। ये रही, यहाँ पर डीवी की वैल्यू जीरो हो चुकी है, इसको समीकरण नंबर तीन दे देते हैं, सॉरी चार दे देंगे उसको। और इसके अंदर आप और देखोगे ना परिवर्तन, तो मैंने कहा था स्थिर आयतन के लिए ही ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, डीवी का मान यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर भी जीरो हो जाता है, तो बचता क्या है, एस क्यू ये जीरो है, यहाँ पर डीटी के लिए लिख देते हैं डीटी, और इस प्रकार से, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें एक तो मान वो प्राप्त हो चुका है, एक हमें ये प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या, कुछ नहीं करना, आपको जो डीटी दिखाई दे रहा है ना, इसको यहाँ पर इसके नीचे भेज दीजिए, वी लगा देते हैं एक बार के लिए, फिर आयतन के लिए याद करें तो यहाँ पर वी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है डीटी, ये सभी हम क्या करते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप के लिए ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इसको आप एस क्यू डेल क्यू अपन डी टी की बात करोगे ना, इसको लिखते हैं सी वी के रूप में लिखते हैं, सी वी अगर कहीं पर आ जाएगा, इसको लिखते हैं डेल क्यू वी और डेल्टा टी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये विशिष्ट गुणांक बन गया है, ठीक है, इकाई के रूप में लिखा है इसको, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं सी वी डेल ई अपॉन डेल टी और वी, ठीक है। इस टी को इधर मैं भेज देता हूँ एक बार, स्थिर आयतन को छोड़कर, ये हमने क्या, बहुत सूक्ष्म रूप, समागलित रूप का अर्थ क्या होता है कि वो सूक्ष्म रूप को विहित रूप में, बड़े रूप में लिख देता है। तो बड़े रूप में लिखोगे तो किस प्रकार से, यहाँ पर भी समागलन लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाता है टी वन से टी टू आ जाता है, ठीक है, इसका तो है ही सी वी अपॉन डी टी आ जाता है, ये लीजिए। जबकि ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है डेल ई के रूप में, ये क्या आ जाएगा आपको डेल वी ई के रूप में आ जाता है। जबकि इसकी बात करोगे, इसको भी समागलित रूप में लिख लेते हैं इस प्रकार से, अगर आप इसको भी समागलित रूप में लिख रहे हैं तो ये भी आ जाता है डेल ई और ये क्या आ जाता है हमारे पास क्यू वी इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू वी आ जाता है। बारे में बात करने वाले, देखिए पहला हमारे पास जो समीकरण निकलती है वो ये निकलती है, दूसरा हमारे पास समीकरण कौन सी निकलती है, इस प्रकार से निकलती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको किस प्रकार से समझते हैं, ये हमारा मैंने पढ़ा होगा तंत्र होता है हमारे पास, और इसके चार ओर क्या होता है, परिपार्श्विक होता है, परिपार्श्विक क्या होता है, परिपार्श्विक होता है। अब देखिए अगर हम बात करें ना कि परिपार्श्विक से क्या होगा, तंत्र की ओर उष्मा जा रही है, तो परिपार्श्विक अगर से तंत्र की ओर उष्मा जा रही है तो वहां पर क्या होता है, उष्मा की वैल्यू जीरो से बड़ी होने वाली है और वहां भी एनर्जी भी क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, कि एनर्जी भी ज्यादा, आंतरिक ऊर्जा भी जीरो से बड़ी होगी और क्यू का मान भी जीरो से बड़ा होगा, अर्थात धनात्मक मान हो रहा है। अगर तंत्र से परिपार्श्विक की ओर उसमें निकल रही है, निष्कासित हो रही है, उस समय क्या होता है, जो उष्मा का मान है वो जीरो से भी कम ऋणात्मक मान प्राप्त होगा उसका, ठीक है, और एनर्जी का भी मान क्या होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक समीकरण ये रही है हमारे पास,
अब जैसे जैसे क्या करते हैं, ताप के मान में वृद्धि करते हैं ना, वैसे वैसे क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है। और जैसे ताप के मान में आप कमी करते हो, आंतरिक ऊर्जा के मान में भी क्या होती है, कमी आपको प्रदर्शित होती है। अगर आप ताप में वृद्धि करोगे तो आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, अगर ताप में आप कमी करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा के अंदर भी आपको क्या दिखा देती है, कमी दिखाई। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, टी व टी वन के मान हम ज्ञात कर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, सी वी अपॉन डेल्टा टी और डेल ई के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, टी के रूप में इसको लिखा जा सकता है, किसके रूप में लिख सकता है, डेल टी के रूप। अब देखिए जब हम आगे और बात करें इसके अंतर्गत, इनके जो मान होते हैं ना, ये प्रायोगिक रूप में सही नहीं होते हैं, परंतु क्या होता है, सैद्धांतिक रूप में सही माने जाते हैं। किसके रूप में, सैद्धांतिक रूप में सही माने जाते हैं, प्रायोगिक रूप में सही नहीं माने जाते। रीजन क्या है उसकी बात करेंगे। जैसे ये कैसे किन पर लागू होता है, ठोस द्रव गैसों पर लागू होते हैं। तो देखिए एक बात हम विचार कीजिए कि हमने क्या लिया, एक सीमित आयतन पात्र लिया है, जिसके लिए हम क्या लेने वाले हैं, ठोस व द्रव के लिए लेंगे सीमित आयतन का पात्र, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ताप का मान इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप ताप का मान बढ़ाते हैं, ताप का मान बढ़ाने में क्या होगा, जो पात्र जो आपने सीमित लिया है द्रव ठोस के लिए, उसको क्या होता है, विकृत होता है, अर्थात वो फट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी कारण के लिए ये जो हम मान लेते हैं सीवी का, वो सिर्फ प्रायोगिक रूप से नहीं लिया जा सकता है, केवल केवल सैद्धांतिक रूप से लिया जाता है। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से अगर प्रायोगिक रूप में ले रहे हैं, कम से कम वो आंशिक उसमें गैसीय अवस्थाएं प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रायोगिक रूप ले रहे हो, कम से कम क्या होना चाहिए, आंशिक रूप से गैसीय होना चाहिए, पूर्णतः ठोस और पूर्णतः द्रव नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।